नमस्कार प्राइम ओडिसा को स्वागत कुछी मिनलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस परे बरसिला भांगिला बुडाइला लगाण वर्षा रे जलमग्न अधा ओडिसा मथानी ठारे विपद संकेत उपरे जलका कंधमाल आनंदपुर खोर्धार जामु झरी रे धोई गला पोलो जल खेर रे छटी गेट दे जल निष्कासन चौबीस घंटे दस टी जिले में 200 मिलीमीटर वर्षा अस्तरंग में सबुठ अधिक छेचिला वर्षा बन्या बात्या को नाही डर मुंड उपरे पक्का घर केवल स्लोगान रे सीमित राज्य सरकार घोषणा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर वर्षा घर भांगार आसला अभावनीय चित्र जीवन भी गला आते मुंड गड़िले पशिव चेता बीजेपी अभियोग दलय कर्मी को बंटा घर योग्य हिताधिकारी हताश लोकों भावावेग बनाम अफिसर जिद मूर्ति उच्चता को नहीं स्वास्थ्य निर्देशकों बेतंडा जुक्ति बड़ मूर्ति हेले लोकों भिड़ बढ़ा संभावना प्रश्न आपद पूजा भितरे मूर्ति उच्चता बढ़िले असुविधा क्योंठी कटकिया स्वाभिमान सपक्ष में बाहरले धर्मेन्द्र प्रधान हाइकोर्ट में पहुंचला मामला आलीगढ़ राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिलान्यास कले प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्थार आधुनिकीकरण में राजा महेन्द्र प्रताप को योगदान को मने पकाइले यूपी को बेस्ट यूपी करने नहीं दोहराइले निज संकल्प सरकार आशीर्वाद करने कहीं कुंठित सेप्टेम्बर 15 पर योजना बंद करने को घोषणा कोविड कमी ना बेले सरकार घोषणा को नहीं उठला प्रश्न आग को कहीं पिला कोविड अनाथ हेले कहीं मिलबनी आशीर्वाद मालकानगिर परे राउरकेला विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार स्मार्ट कार्ड बांटिले मुख्यमंत्री ग्राउंड रे गरीबों को साहा हेउनी कार्ड कार्ड थिले भी विधानसभा आगरे जीवन हाल्ले दुष्मंत राज्य रे सढ़ुछंती माळ माळ हिताधिकारी एवं सरकार को अड़ुआ बदनाम मंत्री सरकार को गळारे बदनाम मंत्री को कंटा ढोकी पारु नाहंती कि काढ़ी पारु नाहंती आग को पंचायत और पौर निर्वाचन थिबाबले शासक दल पई बढ़िला अड़ुआ दशहरा पूर्व मंत्रिमंडल रे बड़ धरणर अदल बदल नहीं पावर करिडर रे चर्चा बर्षिला भांगिला भसाइला सारा राज्य रे वर्षा विपात लगाण वर्षा रे अधा ओडिसा जलमय विभिन्न नदी रे जलस्तर विपद संकेत उपरे थिबाबले विभिन्न स्थान रे भांगी जाइछि पोल सेहिपरि एकर एकर जमी जलमग्न हजार हजार लोक जलबंदी अवस्था रे रहिछन्ति वर्षा देखाइछि पोल केउठि जलबंदी समस्या त केउठि धोइ जाइछि पोल लगाण वर्षा रे अधा ओडिसा भासुछि विभिन्न स्थान रे जल घेर लोके आखुआपदा ठारे बैतरणी और मथानी ठारे जलका विपद संकेत उपरे प्रवाहित होउछि कंधमाला डबुल महा ठारे धोई जाइछि निर्माणाधीन पोल फलरे बालीगुड़ा रायकिया और फुलवाणी ठारु दारिंगबाड़ी सुरड़ा दे ब्रह्मपुर रास्तार बस चलाचल संपूर्ण भाव बंद रही लगाण वर्षा भुशुड़ी जाइछि फापुड़िया पोल फलरे जातीय राजपथ 20 को संजोग करुथुबा सालपड़ा सरई रास्तार यातायात ठप लगाण वर्षा आठगड़ बेहाल कंटिया नदी रे पानी आसीबा जगु विभिन्न स्थान रे नदी उछुलुछि बाह्य जगतर विच्छिन्न होइछि तरडिंग बाइलो दुईटिका पानी भितरे शह शह एकर चाष जमी बाइलो नुआगा सबरसाही रास्ता उपरे 4 फुट रो बन्या जल चालुछि पुरी रे गाड़वाल भांगी गां भितरे पसिला मालागुणी नदी पानी खोर्धा जामुझारी नालठारे निर्माणाधीन गाड़वाल भांगी सृष्टि होइछि 25 फुट रो खाई बहाउछि हळदी पादर रे 4 फुट पानी बर्तन चलछि तोइला भगतपड़ा दिव्यसंपुर पनाखीर ब्राह्मणपटना गोपापुर तोटापड़ा कोलामाटी दत्तपुर एमदी रायगीरपुर दिव्यसंपुर ए टोटल जलमग्न बर्तन अवस्था नराज ठारे महानदीर जलस्तर 23.30 मीटर रहिछि आनंदपुर रे बैतरणीर जलस्तर 36.78 मीटर ओ आखुआपदा ठारे 17.95 मीटर उपरे प्रवाहित होउछि मथानी ठारे जलकार जलस्तर 6.06 मीटर रही बेले काशीनगर में वंशधारार जलस्तर 53.92 मीटर रही बहुत दिन है ड्रेनेज सुविधा किसी ना पानी आम पाटा आसूँ आई टी आई पाखु तो जे पे इनपुट हो आउटपुट ठीक मत हो बहुत जगार मानते रेलवे पाखे म्यूनिसीपाटी पाखे समस्त आपिल कराई बट दे आर नट टेकिंग एनी स्टेप अनेपटे उपर मुंड प्रबल वर्षा जो खुली हीराकूद गेट संध्या 5टा सुधा 6टी गेट दे जल निष्कासित होउछि बालेश्वर रे फुलिछि सोन नदी
मयूरभंज सुनई ड्याम बन्या जल निष्कासन जो फुलिला सोन नदी विपद संकेत उपरे बालिकुदा ब्रिज प्रबल वर्षा जो बालिकुदा ब्रिज संयोगीकरण रोड में विराट गर्त सृष्टि अनेपटे बिंझारपुर धसी जाइछि खरस्रोता नदी बंध जो भाई बर्तमान भांगी जो ब्रिज रही दक्षिण सैडटा बर्तमान पूरा दबी जाए पूरा अधा तो अधिक दबिला कम चलती तो बाली बस्ता बर्तन पड़ी से किसी मानते कौन काम लगे ना जब कौन भारीदान जावासिया कैर पुणी पूरा भांगिज मैंने टोटाल अचल होम एफाक एरिया टोटाल अचल हो कौन बस कि कौन भारीदान जापर ना महानदी में बना भय नहीं एसआरसी तेरे तलिया अंचल उपजिपा बना पिस्थित सब विभाग मानक आम आज कही जे सेमानकर जहाँ जहाँ डैमेज होती जल्दी असेसमेंट करेंगे सो दैट आम एंटायर डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट सबमिशन टू एसआरसी आ सब करके आम गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं जदि किसी क्षय क्षतिर कौटी भरणा करने को पड़े ताको आम चेष्टा करवा दुई सप्ताह तीन सप्ताह भितर एंटायर येटा को सारिकी आम क्लोज करने हमारा पिछले 24 घंटा में जो रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है इसमें मॉनसून विगोरस तथा सभी जगह में रेनफॉल हुआ है 20 सेंटीमीटर और मोर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है 19 प्लेसेस में 39 प्लेसेस में वेरी हैवी रेनफॉल 12 टू 20 सेंटीमीटर 51 प्लेसेस में हैवी रेनफॉल 7 टू 11 सेंटीमीटर हुआ है 24 घंटा रे 10 टी जिला रे 200 मिलीमीटर वर्षा होई छी सबटु अधिक अस्तरंग काकटपुर बीरमहाराजपुर रे 500 मिलीमीटर ऊपर वर्षा होई छी 6 ब्लॉक रे 400 मिलीमीटर ऊपर वर्षा होई छी 56 टी ब्लॉक रे 200 रु 300 मिलीमीटर वर्षा होई छी ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज शिक्षारु प्रतिरक्षा कृषकों समस्या कल्याण सिंह स्मृतिचारण प्रति प्रसंग स्थान पाइला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाषण में उत्तर प्रदेश आलीगढ़ राजा महेन्द्र प्रताप सिंह नाँ विश्वविद्यालय शिलान्यास अवसर एक सभा को संबोधन करते प्रधानमंत्री आउ यूपी को बेस्ट यूपी बनवा नहीं निजर संकल्प दोहराइले पीएम तेज प्रधानमंत्री भाषण में सबुठ चर्चा रही ताला प्रसंग सूचनाजोग्य जे विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा सांसद स्वर्गत महाराज महेन्द्र प्रताप आलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सीटी जमीदान करी निजो बदान्यतार परिचय देथिले अवसर थिला उत्तर प्रदेश आलीगढ़ रे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिलान्यास किंतु चर्चा रे रहिथिला ताला पिला दिनर कहानी वर्णना करी ताला को देशर सुरक्षा सह जोड़ी थिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करीब 55-60 साल पुरानी बात है हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे एक मुस्लिम मेहरबान थे वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। स्वाधीनता संग्राम रे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह का योगदान एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाइबारे तंकर अवदान को मने पकाइथिले प्रधानमंत्री राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश रे सभा करिबे आ कृषकों का प्रसंग उठाइबे नि मोदी एहा कि परि होई पारिबो एमएसपी डेढ़ गुणा करिबाठु किसान क्रेडिट कार्ड रा विस्तार और फसल बीमा योजना परी तांकर सरकार रा समस्त कृषक कल्याण पदक्षेप दोहराई थिले प्रधानमंत्री आउ छोटो कृषकों उत्थान पाई तांकर सरकार लगातार काम करुथुबा नै भरोसा देथिले मोदी देश के 10 किसानों के पास जो जमीन है उसमें 8 किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है 10 में से 8 इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। यह पूर्व उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आलीगढ़ नोड्र मॉडल देखी थे प्रधानमंत्री
ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ଓ ନୌସେନା ସହ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଯବାନଙ୍କୁ ବଳ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି। थोड़ी देर पहले डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नॉर्थ की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ सभा रे राधाष्टमी अवसर रे प्रधानमंत्री देशवासी को अभिनंदन जनाइथिले। एथिसह पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कर स्मृतिचारण करथिले मोदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पाखे आसुथुआ बळे यूपी को बेस्ट यूपी रे परिवर्तन करिबा नै तांकर सरकार रा संकल्प कथा मने पकाइथिले पीएम। सभा रे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य उपस्थित थिले। यहाँ विधानसभा निर्वाचन पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री निर्वाचनी शंखनाद बोली कहुची। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कटकवासी को स्वाभिमान बनाम ऑफिसर को अहंकार मां को मूर्ति उच्चता वृद्धि न कराइबानी सरकार निष्पत्ति विरुद्ध प्रतिक्रिया बढ़िया लगी। इन्हें हाईकोर्ट में जनस्वार्थ मामला दायर कर बालुबजार पूजा मंडप सेपटे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान छिड़ा होती कटकिया स्वाभिमान सहित ट्वीट कर लिखिंट कटकवासी भावाबेग सम्मान दिंतु राज्य सरकार आपोष आलोचना मध्यम समाधान आवश्यकता रही धर्मेन्द्र उल्लेख कर। स्वाभिमान बनाम अहंकार लोकंक भावाबेग बड़ ना सरकार जीत शह शह वर्षर परंपरा बड़ ना अफिसर अहंकार कटकिया स्वाभिमान सपक्ष में बाहर धर्मेन्द्र मामला पहुंचला हाईकोर्ट रे आबद्ध पूजा भितर मूर्ति उच्चता बढ़िले असुविधा के गोटे पटे परंपरा स्वाभिमान लड़े आउ अन्यपटे अफिसर अहंकार यह भितर आईनगत लड़ेपाई प्रस्तुत कटकर सर्वपुरातन बालुबजार पूजा मंडप आज एने हाईकोर्ट में दायर हो जनस्वार्थ मामला उल्लेख करप्रिल मसने कोरोना पिक्रे रही समय माँ बासंती दुर्गा पूजा मूर्ति में कौन कटक रही ना एवं दशहरापाई कहीं सरकार कटक जारी कर मूर्तिर आकार पर दीर्घ दिन परंपरा क्षुण्ण हो चुक्ति रखी सेपटे कटकवासी स्वाभिमान सह छिड़ा होती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर कटकवासी भावाबेग को सम्मान दिंतु राज्य सरकार निज ट्वीट उल्लेख कर कटकर साही पूजा और शांति कमिटी पक्षर भिन्न भिन्न मत आसू बुद्धिजीवी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पक्षर भिन्न मत आसू राज्य सरकार यह गुरुतर सह नहीं पुनर्बार आलोचना करतु कटकवासी भावाबेग को दृष्टि रखि पूजार्चना नहीं व्यवस्था करंतु विभिन्न पूजा कमिटी आशा रखी सरकार निष्पत्ति बदल पूजापाई प्रस्तुति भी आरंभ हो जाती हृदय ये सरकार हूँ ब्यूरोक्रेट्स मान सरकार ये केवे ग्रहण करेंगे ना से जेहेतु बासंती दुर्गा पूजा में 8 फुट कलु आ सरकारी कौन कटका ना चारिमास पूर्व जो कोरोना पूरा पिक बर्तमान आम प्रूफ भी देखूँ गत वर्ष कई लोक आसीना मंडप को पूजा होता आउ दुई मास तले मार्च मसरे माँ बासंती दुर्गा पूजा आपण मैंने कवरेज देखते देखिथे कौन सी भक्त मंडप भितर पशि ना कटकिया केत भूल करेंगे ना जेहेतु गोटे दायित्व मानव सांसद रही से गोटे टीम नहीं मान्यवर मुख्यमंत्री की सहित आलोचना करेंगे तेणु आम से कौन आसूची तार आम जानलापर आम आगे सेपटे मूर्ति उच्चता और कोरोना को नहीं स्वास्थ्य निर्देशक पीतंडा जुक्ति बाढ़ी बड़ा मूर्ति हेले लोकों भिड़ बढ़िबार आशंका रही गोटे पटे कह परदा पड़ी आबद्धरे हेब माँ पूजा जदि आबद्धरे हेब पूजा ताहेले मूर्ति उच्चता बढ़िबारे असुविधा केउठी रही कहीं शह शह वर्षर परंपरा भांगिबा को चेष्टा करुछंती सरकार कहीं कटकिया भावाबेग सहित खेल कहीं सरकार एते जीत
ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝୁନଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ନା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା? ଏହି ଅଫିସରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ବଡ଼ ନା କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ? ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରତିବାଦ ବି ଜାରି ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣର ଇନଫେକ୍ସନ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ନେଇକରି କରିବା, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକରି ଆସିବେ, କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେବ। କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଲେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ବଢ଼େଇବ। ଆପଣ ତ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମାନିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଟା ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ରହିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଛୁ, କରୋନା ହଟୁ, କରୋନା ଦୂରୀଭୂତ ହଉ, କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ସେ ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ମଲ୍ ଚାନ୍ଦି ଯାତ୍ରା ସବୁ ସିନେମା ହଲ୍ ସବୁ ତ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କଟକ ବିଜେଡିରେ ବି ଫାଟ। କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଲା ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର, ଜୀବନ ବି ଗଲା ଆଉ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲେ ପଶିବ ଚେତା। ସେପଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହତାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଘସିପୁରା, ନୀଳଗିରି, ମାର୍ଶାଘାଇ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ, କଟକ, ବାଙ୍କି ଏସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚିତ୍ର ଆସିଛି ତାହା ବୟାନ କରୁଛି ପକ୍କା ଘରର ସତ। କେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର କଥା ରଖିବାରେ, ପକ୍କା ଘର ଦେବାରେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେମିତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟେ, ଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାର୍ଶାଘାଇରେ ଯଦି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି ଏ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କି ଜୀବନ ଯାଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାର୍ଶାଘାଇ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦୂର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ। ସକାଳ ଛଅଟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇଠୁ ଆମେ ଆସିକିରି କବାଟ କରରେ ସେଇଠି ବଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ କବାଟ କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଆମେ ସବୁ ସେଇ କରରେ ଯାଇକିରି ବସିଥିଲୁ। ବସିଥିବାରୁ ଆମର ସେ ଦାଦା ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଏମାନେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେଠୁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପୁଳା ପୁଳା କଥା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2014 ନିର୍ବାଚନୀ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଥିଲେ ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ 2019 କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। କେବଳ ଏହା ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି, କାମରେ କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ। ଲୋକେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ, ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳିପାରୁନି ପକ୍କା ଘର। ଘର ତ ମିଳିପାରିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆମର ଏଠି, ମାନେ ଚାଳ ଘର ଏଠି ବହୁତ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୌଡ଼ି ଏଠି ଯୋଉଠି ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ଘର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଯେତେ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କଲେକ୍ଟର କତିକି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଆମର ଏଠି MLA କତିକି ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ଘର ତମକୁ ଦିଆହେବ, କାଲି ପାଣି ବି ଦିଆହେବ। ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଶାସକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ତୋଷାରପାତ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ନୀତି ପାଳନରୁ ପରସ୍ପର ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି।
ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 29 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପକ୍କା ଘର। ବାକି ହିତାଧିକାରୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଆଉ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲେ ଚେତିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଣିକି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଉଥିବା ଶିଶୁ ପୂର୍ବପରି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ର ଭୟାବହତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିନଥିବା ବେଳେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଲା ଅଭିଶାପ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପରେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା। କୋଭିଡ୍ କମିନଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ କୌଣସି ପିଲା କୋଭିଡ୍ରେ ଅନାଥ ହେଲେ କାହିଁକି ମିଳିବନି ଆଶୀର୍ବାଦ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ NCPCR ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁସାରେ 2020 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 1231 ଜଣ ଶିଶୁ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 23,654 ଶିଶୁ ମା କି ବାପା ଅଥବା ପରିବାରରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 26 ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲ ସ୍ୱରାଜ ପୋର୍ଟାଲରେ କେବଳ 8,498 ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 10,016 ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିବା 306 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିରେ ସମସ୍ତ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହାଜର ସହ ବାଲ ସ୍ୱରାଜ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଭାବରୁ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଯାହାର ନିଡ୍ ଅଫ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯିବ। ସରକାର ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଥିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଥିବ। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା କିମ୍ବା ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ କୋଭିଡ୍ କିମ୍ବା ଅଣକୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ଉଭୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାସିକ 2500, ଜଣକୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ 1500 ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନେବେ। ଏପରି ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କରୋନାର କୌଣସି ଭୟାବହତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଯାଇଛି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇଛି ଏମିତି କୌଣସି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥଳରେ ସରକାରଙ୍କର ସେହି ଯୋଜନାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କୋଭିଡ୍ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ୍ ତୃତୀୟ ଲହରର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଆଉ ମିଛ କହିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇନା ଅନାଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲ 18 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ? ଶସ୍ତା କଥା, ଏ ଶସ୍ତା କଥା ବନ୍ଦ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆଗକୁ କୌଣସି ପିଲା କୋଭିଡ୍ରେ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେନି? ସେହି କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଦୋଷ କ'ଣ?
तेबे राज्य सरकारों तरबरिया निष्पत्ति विरोधी सहजरे ग्रहण करिपारुथवा बेले सुप्रीम कोर्ट को आगामी शुणाणी उपरे नजर। मयूरभंजरु रंजन दास, ब्रह्मपुरु विस्मय प्रधान, संबलपुरु सुरेन्द्र पारिक सह भुवनेश्वरु दीपज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। चांदीपुर डीआरडीओ तथ्य लिक अभियोग में चारि अटक। संदिग्ध गुप्तचर पड़ोसी देशर एजेंट को प्रतिरक्षा तथ्य जोगाउथवा अभियोग। जातीय सुरक्षा आईन आधार से अटक रखी। समस्ते डीआरडीओ ठिका कर्मचारी बोली बालेश्वर एसपी सूचना देखते। चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षण घाटी किसी व्यक्ति देशर सुरक्षार गुप्त तथ्य देउथवा इंटेलीजेंस ब्यूरो राज्य गुइंदा विभाग को सूचना देवा बालेश्वर पुलिस और राज्य गुइंदा विभाग मिलित भाव केन्द्र चारिज ठिका कर्मचारी उठाई नहीं। पड़ोसी पाकिस्तान एजेंट को देशर प्रतिरक्षा संपर्कित तथ्य फोन कॉल माध्यम रे प्रदान करा संदेह करा जाउछि। राजस्थान बॉर्डर निकट रु अंतर्जातीय कॉल आसुवा जना पड़छि। पूर्वरु फोटोग्राफर ईश्वर बेहरा विदेशी एजेंट मानको तथ्य देउथवा अभियोग सहित आजीवन सजा काटुथवा बेले ईश्वर बेहरा सहित एमानकर किछि लिंक अछि कि नाहि पुलिस तदंत चलाइछि। हमर पाखरे किछि क्रेडिबल इनपुट थिला कि किछि लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जे नेशनल सिक्योरिटी पाइ इम्पोर्टेन्ट अछि तांको किसी फॉरेन एजेंसी को पास से ऊपर आम बालेश्वर पुलिस डिफरेंट टीम फॉर्म करके चार लोग अप्रिहेंड करुँ इंट्रोगेसन चलु और फर्दर तदन चलु अप्रिहेंडेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन सर माने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे किसी एम्प्लॉयड थिले से नहीं डिटेल बट इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्टेड डिटेल्स रिवील करे हबनी बिकॉज़ आउरी अधिक लोक भी इन्वॉल्व थाई परंती तो से गोडा को डिटेल इन्वेस्टिगेशन कला पर आ जदि किछ आसीबो त आपन गोटे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंसिडेंट आमे एते शीघ्र से बाउदे ब्रीफिंग करिबू नाही टिके एकदम नेसेंट स्टेज रे अछि से मामलाटा आज देर राति सुधा आमे फैक्स आपन संगे शेयर करबू एते शीघ्र मु फैक्स शेयर करबी। मदमंडे ओडिशा पुलिस को बड़ सफलता। दुर्दांत माओ नेता दुबासी शंकर गिरफ। माओ संगठन शीर्ष नेता थिला दुबासी शंकर। दुबासी को कोरापुट बैपारीगुड़ा थाना अंचल गिरफ कर आंध्र ओडिशा स्पेशल जोनाल कमिटर सदस्य होची दुबासी शंकर। विभिन्न माओ संगठन सहित रही दुबासी संपर्क। यह हार्डकोर माओवादी मुंड उपर 20 लाख टंकार पुरस्कार राशि घोषणा होता। पुलिस डीजी सूचना अनुसार 2010 में गोविंदपाली लैंडमाइन विस्फोरण और 2009 दामनजोड़े सीआईएसएफ जवान आक्रमण घटन दुबासी हाथ रही। गत 20 वर्ष मध्य गिरफ होता माओवादी मध्य शंकर सबुठ दुर्दांत माओवादी। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे किरण आलिया सोनल माडवी ये गोटे बैन माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन रे गुमा एरिया कमिटी मेंबर थिले से आज तांकर स्व इच्छा रे आमा सामना रे सरेंडर होती। से या पूर्वर तांकर स्त्री तालसो अलियास तालसे पीका ये भी आम सामना रे सरेंडर ही जाई छी। ये जो सरेंडर आसिला सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी देखी के ये और बाकी जो माओइस्ट माने बहुत लोगों ऊपर अन्याय अत्याचार करछंती ताकू देखी के निजे इच्छा रे पुलिस सामना रे सरेंडर ही छी। याकू पुलिस रे गवर्नमेंट रे जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अछि ता अनुसार सब बेनिफिट दिया जबो सब तो बड़ा सफलता हमें पाई छु। जड़े माओवादी बड़ नेता थिले दुबासी शंकर बहुत ना माओवादी नेता मान थाए ना भी दुबासी शंकर महेंद्र महेश रमेश अरुण एवं अत्यंत ना से थिला। से माओवादी संस्थार शीर्ष नेता कही हेबे तांको ऊपर आम 20 लाख टंका रिवार्ड थिला। तांको कोरापुट टीम रा डीबीएफ एसओजी बीएसएफ सहायता से काली ढले व्यापारी गुड़ा थाना एरिया रे से आउ केते माओवादी माने सांगे कुचक्र रचुथिले तांको पाखरे आमे गोटे इंसास राइफल एवं एमिनिशन एवं गोटे किंडल फोन एवं अन्य सामग्री जप्त करी। समय छि बुलेटिन को रखिबा। नमस्कार।